चलो, और कैसा बना है बताना मुझे। अरे वाह, लो फिर जल्दी से खाओ। गरम है, वहां साइड में रखो। हाँ, कितनी बार दिखाओगे अभी। हाँ 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 कल से पहन के रखा है, तो सोते समय भी पहना और अभी भी। बहुत टेस्टी बना है अम्मा। हाँ, कुछ कमी है क्या उसमें? सॉस वगैरह चाहिए तो ले लेना। अद्विक, आपको क्या चाहिए? चलो, मैं अभी खा लेती हूँ। जस्ट नहा के आई हूँ और अभी करने वाली हूँ मैं अपना स्किन केयर, जिसके बारे में बहुत लोगों ने पूछा था कि आप अभी करंटली कौन सा स्किन केयर कर रहे हो जिससे आपकी स्किन इतनी ज़्यादा ग्लो कर रही है, फ्रेश लग रही है। तो मैंने सोचा चलो आज आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। सबसे पहले मैं नहाने के बाद यूज़ करती हूँ ये गुड वाइफ का रोज़ ग्लो टोनर। तो ये जो टोनर है, इससे मेरी स्किन बहुत ही अच्छे से हाइड्रेटेड रहती है। इसके बाद जो ओपन पोर्स है वो भी मिनिमाइज करती है, और उसके बाद ग्लो भी लाती है फेस पे। तो इसे जस्ट स्प्रे करना है आपको अपने फेस पे। और किसी ने पूछा था कि आप टोनर डेली यूज़ करते हो क्या? तो हाँ, मैं टोनर डेली यूज़ करती हूँ। जब भी मैं फेस वॉश करती हूँ, चाहे सुबह फेस वॉश करूँ, या चाहे दोपहर में फेस वॉश करूँ, चाहे रात में फेस वॉश करूँ, मैं टोनर पक्का यूज़ करती हूँ। तो ये मैं करंटली यूज़ करती हूँ गुड वाइब्स का रोज़ ग्लो टोनर। इसे एब्जॉर्ब होने देती हूँ और टोनर को एब्जॉर्ब होने देती हूँ, और उसके बाद मैं यूज़ करती हूँ ये गुड वाइब्स का सनस्क्रीन। ये गुड वाइब्स का जेल सनस्क्रीन है, जेल क्रीम। ये SPF 50, ये ट्रिपल प्लस है। तो ये बहुत अच्छा होता है आपकी स्किन के लिए, बहुत देर तक आपके स्किन को सन से प्रोटेक्ट करता है। और आप सोचोगे कि आप बाहर तो नहीं जाते हो, सनस्क्रीन क्यों यूज़ करते हो? तो सनस्क्रीन इसलिए यूज़ करती हूँ कि बाहर नहीं जाती हूँ, पता है, बट मैं कुकिंग करती हूँ, आर्टिफिशियल लाइट होते हैं घर में, और बाहर से भी हवा आती है, धूप आती है घर में, तो इसकी वजह से आपकी स्किन टैन हो जाती है ऑटोमेटिकली। तो अभी मैं इसे यूज़ कर रही हूँ ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी टैनिंग नहीं हो रही है। बस इस तरह से अप्लाई कर लेना है, और ये बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं है। पहले जो सनस्क्रीन आता था गुड वाइब्स का, थोड़ा सा चिपचिपा लगता था मुझे, बट अभी जो सनस्क्रीन आ रहा है, ये जेल वाला जेल क्रीम, तो बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं है और बहुत ही अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है। उसके बाद मैं यूज़ करती हूँ ये वायम आयुर्वेदा का कुमकुम आदि क्रीम, डेली क्रीम है ये, और ये मुझे आजकल बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इससे मेरी स्किन बहुत ही अच्छे से मॉइस्चराइज रह रही है और काफ़ी अच्छा लग रहा है। बस थोड़ी सी क्वांटिटी में लेना है, काफ़ी दिन तक चल जाती है ये आपकी बॉटल। मेरी अभी पिछले महीने से चल रही है ये, और थोड़ा सा ही ख़त्म हुआ है। ये देखो, मैं आपको दिखाती हूँ, थोड़ा सा ही ख़त्म हुआ है, पिछले महीने से चल रही है। पिछले महीने से मैं इसे यूज़ कर रही हूँ, और आपको पता है कि मैंने आपके साथ शेयर किया था, तब से मैं इसे यूज़ कर रही हूँ। बस थोड़ी सी क्वांटिटी में लेना है, अच्छे से मॉइस्चराइज कर देती है आपकी स्किन को, और बस इसे अप्लाई कर लेना है। और ना, इसके बाद मैं यूज़ करती हूँ अपने लिप्स को मॉइस्चराइज करने के लिए ये पर्पल का लिप बाम। ये पर्पल का चाइल्डहुड बेस्टी लिप बाम है, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। और टिंटेड लिप बाम नहीं है, ऐसे ही है। इसी वजह से इसके ऊपर आप कोई भी अपना लिक्विड लिपस्टिक अप्लाई करते हो ना, तो बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज रहते हैं आपके लिप्स। बस, और उसके बाद अपने हाथों और पैरों को मॉइस्चराइज करने के लिए मैं ये यूज़ करती हूँ। ये जो है, ये ब्राइटनिंग बॉडी लोशन है, इसे यूज़ करती हूँ। आप लोगों ने शायद मुझे कमेंट किया था कि आप टैनिंग हटाने के लिए क्या करते हो, तो टैनिंग हटाने के लिए भी DIY वगैरह कुछ करती हूँ, हाथों की टैनिंग वगैरह, बट उसके बाद मैं यूज़ करती हूँ ये वाला ब्राइटनिंग लोशन। इससे मुझे काफ़ी ज़्यादा फर्क लग रहा है मेरे हाथों पैरों में। नहीं तो मेरे फेस का टोन अलग था, मेरे हाथों का टोन अलग था, और उससे भी ज़्यादा मेरे पैरों का टोन अलग था। तो अभी थोड़ा सा इवन होते जा रहा है, हाथों का और फेस का देखो, थोड़ा थोड़ा इवन होते जा रहा है। ये जो बॉडी लोशन है ना, ये आप सोचोगे कि अभी इतनी ह्यूमिडिटी है और उसमें आप लोशन लगा रहे हो, बट ये जो बॉडी लोशन है गुड वाइब्स का, इतनी जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है और बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं करता है। तो इसी वजह से मुझे ये काफ़ी ज़्यादा पसंद है। जब से मैं इसे यूज़ कर रही हूँ ना,
इतनी कम क्वांटिटी में लगता है और इतनी बड़ी बॉटल है 500 ml की, तो आपकी काफी दिन तक चल जाएगी, एक साल तक तो चल ही जाएगी आपकी। और हाँ, इन सारे प्रोडक्ट को अगर आपको परचेस करना है तो लिंक आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लेना। गाइज, अभी पर्पल पे सेल चल रहा है, स्किनटास्टिक सेल, तो उस सेल का आप फायदा उठा सकते हो और उस सेल में आपको अप टू 50% ऑफ मिल जाएगा। उस सेल का फायदा उठाइए और जल्दी से परचेस कीजिए जो भी आपको परचेस करना है। और हाँ, ये जो सेल है वो आपको मिलेगा 1 जून से 6 जून तक, तो उस सेल का जल्दी से फायदा उठाइए और जल्दी से जो भी परचेस करना है वो परचेस कर लीजिए। गाइज, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माई चैनल इंडियन मॉम कंचन। सो गाइज, अभी आई हूँ किचन में सारे काम करके, मतलब हाथ धो के, पूजा वगैरह करके सब कुछ हो गया है, सब कुछ क्लीनिंग वगैरह सुबह के सब कुछ हो गया है। अभी आई हूँ किचन में किचन के सारे काम करने, तो किचन भी क्लीन ही है ऑलमोस्ट। अभी ये सारे बर्तन लगाने हैं मुझे, तो ये बर्तन लगा देती हूँ और आज क्या चल रहा है वो आपको दिखा देती हूँ। आज फर्नीचर में क्या क्या हो रहा है, क्या चल रहा है आज, क्योंकि सुबह से कर 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 आज भैया जल्दी आ गए थे, कारपेंटर भैया, तो वो भी दिखा देती हूँ आपको क्या चल रहा है। तो और हाँ, आपको पूछना ही भूल गई, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, अपने अपने घर पे सेफ रह रहे होंगे। तो चलिए जल्दी से कामों में लग जाती हूँ। ये जो ड्रेस है, मैं जो पहनती हूँ डेली ड्रेस, तो उसके बारे में बहुत से लोग पूछते हैं कि ये ड्रेस क्यों पहनते हो आप, मतलब ऐसा क्या है इस ड्रेस में, और क्यों आप एक ही एक ड्रेस पहन रहे हो। आई नो, मेरे पास ये वाले दो ही ड्रेस है और मैंने ऑर्डर किए हैं, अभी आने ही वाले होंगे, और 2-3 ड्रेस है मेरे पास, तो वो आपके नजर में नहीं आते हैं, यही वाले दो नजर में आते हैं, जैसे कि ब्लू और येलो, तो ये आपको बहुत ही ज्यादा पसंद भी आते हैं। तो इसके बारे में बता दूं आपको, ये मैंने मीशो से लिए है, और ना वैसे इसका जो मटेरियल है वो सिंथेटिक मटेरियल है, जिसे पॉलिस्टर भी बोलते हैं, तो पॉलिस्टर मटेरियल है, फिर भी मुझे ये कंफर्टेबल लगते हैं। क्यों, ये भी बता देती हूँ, क्योंकि ना ये समर में खुले खुले लगते हैं मुझे और बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। अभी देखो यहाँ पर ये स्लीवलेस भी है, और समर में ज़्यादा बड़ी बड़ी स्लीव्स और ये सारी चीज़ें कॉटन के, मुझे पता है कॉटन पहनना चाहिए, कॉटन के कंफर्टेबल भी रहते हैं, बट मुझे पता नहीं यही क्यों कंफर्टेबल लग रहे हैं और इजीली काम हो जाते हैं मेरे, इससे बहुत जल्दी जल्दी काम हो जाता है इसकी वजह से, मतलब ज़्यादा कुछ टाइट नहीं है, एकदम लूज लूज है और बहुत अच्छे लग रहा है मुझे। आप लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो, मीशो के कोड मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या पिन कर दूंगी कमेंट में। बहुत लोगों ने मांगे भी है, को भी मैंने दिए हैं, बट अभी बहुत से लोग इसी के बारे में पूछ रहे हैं, तो मैंने सोचा चलो आपको बता भी देती हूँ कि ये जो ड्रेस है वो कैसे है, मतलब आप लोगों ने तो देखे ही है कैसे है। अभी मैंने माही के लिए भी ऑर्डर कर रखे है इसी टाइप के ड्रेस, क्योंकि उसको भी बहुत ज़्यादा पसंद है ये ड्रेस, और वो भी बोल रही कि मम्मा मुझे भी चाहिए, तो उसके लिए भी मैंने कितने माही 5 ड्रेस ऑर्डर किए हैं उसके लिए भी मैंने, और अपने लिए भी और 2 ड्रेस ऑर्डर किए हैं, तो वो भी आ जाएंगे तो आपके साथ शेयर करूंगी ही। तो अभी माही भी डेली वही ड्रेसेस में देखेगी आपको, क्योंकि 5 ड्रेस ऑर्डर किए हैं उसके लिए, तो 5 ड्रेस 5 दिन 5 अलग अलग पहनेगी वो, और उसको भी बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं ये मुझ पर, तो वो बोल रही थी कि मेरे लिए भी मंगा के दो मम्मा, बट थोड़े शॉर्ट दो, तो उसके लिए मैंने शॉर्ट लिए हैं, और अभी वो आ जाएंगे तो आपके साथ शेयर करूंगी, दिखाऊंगी आपको। देखो ये चल रहा है आज, ये तो आपने कल के व्लॉग में देख ही लिया है। उसके बाद यहाँ पर इसके जो पल्ले हैं वो भी, और अंदर के जो ड्रॉवर्स है उसके पल्ले बना के रखे हैं, सब कुछ आज पूरा धूल ही धूल सारी। अब देखो पूरा इसका कचरा जो होता है ना उड़ता है, वो भी उड़ रहा है पूरा, और अंदर भी आ रहा है कुछ उसमें से, तो आज बहुत सारी क्लीनिंग करनी पड़ेगी, तो वो तो शाम को होती है ये सब जाने के बाद। बट अभी देखो ये सब चल रहा है यहाँ पर। अभी आज खाने में क्या क्या है दिखा देते हैं आपको। ये दाल है, और उसके बाद यहाँ पर है राइस, उसके बाद यहाँ पर रोटी है, और ये भिंडी की सब्जी है,
इतना है आज खाने में। और हाँ, किसी ने इसके बारे में भी पूछा था कि ये बास्केट कैसी है, क्या है, बहुत अच्छा प्लास्टिक है इसका। ये सारी जगह पर अवेलेबल है, जैसे कि मीशो पे भी अवेलेबल है, ये अमेज़ॉन पे भी अवेलेबल है। ये तो मैंने डी मार्ट से ली थी आई थिंक, बट अगर आपको चाहिए तो मैं लिंक दे दूंगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप मल्टीपर्पज़ यूज़ कर सकते हो, जैसे कि आप इसे इसमें कुछ भी रख सकते हो। मैं तो फ्रूट भी रखती हूँ, मैं सब्जियाँ भी रखती हूँ इसमें, मैं मसाले भी रखती हूँ इसमें, बहुत सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। तो चार पाँच है मेरे पास, तो इसे मैं अलग अलग तरह से यूज़ कर लेती हूँ। दोन घेऊन घ्या ना मग। हाँ, दोन घेऊन घ्या। आय एखादा वरच्या मध्ये ठेवा। हाँ हाँ, म्हणजे कसं हे सर्व खालचं यूज होते, ते नेहमी यूज नाही होत ना। हाँ, तिथे दोन ठेवून द्या। रात की जो सब्जी बची थी ना, कल रात मैंने दाल फ्राय बनाई थी, तो दाल फ्राय बची थी यहाँ पर, तो वही गरम कर रही हूँ। और उसके बाद कल की ये भी क्या बोलते हैं, तो करेले की सब्जी भी बची थी, तो वो भी अभी गरम कर लेती हूँ और अभी खाना खा लेते हैं। एक्चुअली मैंने थोड़ा सा ये जो सादी वाली प्लेन वाली जो दाल होती है ना, थोड़ी सी बनाई है, क्योंकि ये वाली दाल बहुत सारी थी, तो इसी वजह से प्लेन दाल बनाई है। और कल रात को इन्होंने ये भी बनाया था, मैं आपको दिखा देती हूँ। देखो यहाँ पर आपको दिखाती हूँ, चिकन फ्राई बनाया था इन्होंने कल रात को, तो वो चिकन फ्राई भी आपको दिखाती हूँ। वो उनके लिए बनाया था, तो ये यहाँ पर चिकन फ्राई भी है, तो ये खा लेंगे ये। और ये माइक्रोवेव कर लेती हूँ, उसके बाद ये तो यहाँ पर गर्म हो ही रहा है, तो ये गर्म हो रहा है, ये भी गर्म होने के लिए रख देती हूँ। चलो इसे माइक्रोवेव करते हैं। ड्यूटी से आ गए तो खाना खा लेंगे। माही को बंद कर दिया है क्या किसी ने? एक मिनट बेटा। अरे देखो अद्वी कितना बदमाश है, कितना शैतान है अद्वी। देखो माही को बंद कर दिया था बाथरूम में, वो नहा रही थी बेचारी, उसे बंद कर दिया बाथरूम में। मुझे लगा ही कि ये खटखट आ रही है, तो इसका मतलब यही है कि इसने बंद कर दिया होगा। चलो कोई बात नहीं, अभी वो नहा के आ गई है और ये भी ड्यूटी से आ गया, तो चलिए खाना खा लेते हैं जल्दी से। आज की मेरी प्लेट जिसमें है ज्वारी की रोटी, उसके बाद ये दाल तड़का, और ये करेले की सब्जी कल की है, और ये भिंडी की सब्जी आज की है। मैंने चाय बनाई है मेरे लिए और उसके पापा के लिए और कारपेंटर अंकल के लिए। अरे बहुत टेस्टी है। आपने बनाई, उसने बनाई, बेचारी ने कितने। चलो फिर लो, आपकी ठंडी हो रही है चाय जल्दी जल्दी। ये ड्यूटी जा रहे ना, इसकी वजह से माही ने चाय बनाई थी उनके लिए और मेरे लिए। तो गाइज किसी ने ये जो वॉल है जीने की, इस वॉल के बारे में बताने के लिए बोला था। तो ये जो वॉल है वो टेक्सचर वॉल है, और आप देख सकते हो ये पुट्टी वाला टेक्सचर है। आपने अगर सुना है तो ठीक है, नहीं तो आप सर्च कर लेना पुट्टी वाला टेक्सचर किसे बोलते हैं और कैसे बनाया जाता है। तो ये इसमें ना थोड़ा सा जो चाय कलर नहीं होता है, लाइट ब्राउन कलर, वो लाइट ब्राउन कलर लगाया है, उसके ऊपर गोल्डन कलर है, और बीच बीच में ये येल्लो की पट्टियाँ हैं, तो इस तरह से ये कलर है, और उसके ऊपर मेलामाइन लगाया हुआ है। तो मेलामाइन किस लिए होता है वो भी आपको बता देती हूँ। वो चमकने के लिए होता है, और इसके लाइफ बनाने के लिए, मतलब मेलामाइन से इसकी लाइफ बहुत टिकती है। नहीं तो अगर आप इसे ऐसे पुट्टी को हाथ लगा देते हो ना, तो ये देखो जैसे ये अभी उभरा हुआ है, तो मेलामाइन से निकल नहीं रहा है। अगर आप वैसे हाथ लगाते हो या कुछ लग जाता है उसे, तो वो निकल जाएगा और भद्दा दिखेगा, मतलब वाइट वाइट दिखेगा उस जगह पे। तो इसी वजह से मेलामाइन लगाया जाता है ताकि ये बने रहे। और ये वॉल नीचे तक कुछ इस तरह से है, यहाँ से नीचे से हमने टेक्सचर बनवाया है इस वॉल पे। तो ये ना ये जो वॉल है, अगर आप सोफे पे बैठे हो तो
तो ये वॉल डायरेक्टली दिखती है, तो इसी वजह से इस वॉल पे हम लोगों ने टेक्सचर बनवाया है और इस तरह से ये दिखता है। सॉरी डियर, इतने दिनों से आपने बोला है मुझे उसे दिखाने के लिए और मैं भूल जा रही थी, उम्र का असर है, मतलब उम्र हो जाती है तो ऐसा ही होता है, मतलब भूल जाती हूँ यार, इतने सारे काम होते हैं और उसके बाद यूट्यूब का भी काम होता है और उसमें आपके कमेंट की रिप्लाई देना होता है, आपके कमेंट को हार्ट देना होता है, आपके सारे कमेंट पढ़ने पड़ते हैं, इसी वजह से थोड़ा सा भूल जाती हूँ। और मैं ना एक एक करके सारे जो क्वेश्चंस हैं आपके वो कवर करने की कोशिश कर रही हूँ, बट थोड़ा सा आप सब्र रखिए, मतलब आपके क्वेश्चन आप पूछते रहिए, मतलब मुझे ऐसा हो कि मुझे एक पिन मिले कि हाँ यार आपने आज क्वेश्चन पूछा है तो मैं कभी ना कभी आपके क्वेश्चन का आंसर दे ही दूंगी, मतलब ऐसा नहीं है कि आज ही आपके क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा आपको, आप पूछते रहिए, कभी ना कभी तो आपको ब्लॉग में आंसर मिल ही जाएगा। थोड़ा सा आप सब्र रखिए सिर्फ, मतलब ये नहीं कि अभी आज आपने आंसर नहीं दिया यार, दिया आपने आज भी आंसर नहीं दिया, थोड़ा सा सब्र रखा करो। जो भी आप कमेंट करते हो सभी के आंसर दूंगी, बट थोड़े एक एक दिन, एक एक दिन में एक एक क्वेश्चन या दो दो क्वेश्चन की रिप्लाई करूंगी। जो भी क्वेश्चन हो आपके मन में, जो भी डाउट हो आप क्वेश्चन किया करो, घर के रिलेटेड हो या आपके मन में और कुछ डाउट हो तो पूछ लिया करो, मैं उस क्वेश्चन को कवर करने की कोशिश करूंगी ब्लॉग में। और थोड़ा सा सब्र किया करो सिर्फ, मतलब आप डेली क्वेश्चन पूछा करो, उसमें से कभी ना कभी तो आपके क्वेश्चन का आंसर आपको मिल ही जाएगा। हेलो, बाय बाय। डाकू दिसत है तुम्हें? आता छान दिसत है, आता एकदम मस्त, आता एकदम मस्त, जा आता जास्त स्टाईल मारून राहिलेले तुम्ही। आ दुनिया कशाला करता मला फिदा करा, दुनिया कशाला करतात फिदा काय माहिती। ये देखो यहाँ पर सब कुछ हो गया, ये क्या काय म्हणतात त्याला, टेबल, मला टेबल आठवत नाही आहे वेळेवर, टेबल का सब कुछ हो गया है यहाँ पे। अभी आज ड्रॉअर वगैरह लग जाएंगे ना किशोर भाऊ, उद्याला लागणार का, चलो कल लग जाएंगे बोल रहे, तो एक एक दिन लेट ही हो रहा है। यहाँ पर भी बनाना है अभी, यहाँ पर पता नहीं अभी कब होगा वो। ये देखो, अरे 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 आवाज माही, ये देखो यहाँ का पैनलिंग भी हो गया है, अब पूरा इधर का भी हो गया है पैनलिंग। आपको लाइट लगा कर दिखाती हूँ, ये देखो यहाँ का भी पैनलिंग हो गया है, अच्छा लग रहा है अब। अच्छा लग रहा है वैसे, ये देखो सब कुछ यहाँ का भी हो गया है, यहाँ का भी हो गया है, इसके ग्लास देने हैं, यहाँ के ग्लास देने हैं, यहाँ का ग्लास देना है, सब कुछ बाकी है यार, मतलब बहुत सारा काम बाकी है। ये ना यहाँ का थोड़ा सा यूनिक बनवा रही हूँ, थोड़ा सा वो वीडियोज़ के लिए बनवा रही हूँ मैं, ये तो आपको बाद में देखने के लिए मिलेगा, जब भी बन जाएगा पूरा तब देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए गाइस, सब कुछ हो गया है, आई होप आपको ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर देना, शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो मैं कितनी बार बोलती हूँ सब्सक्राइब कर दीजिए यार, उसके बाजू में जो बेल आइकॉन आएगा उस पर क्लिक कर देना, ऑल पे क्लिक करना, ताकि मेरे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको ही सबसे पहले मिले और उसे आप सबसे पहले देख पाओ। और इसके अलावा मेरे दो और चैनल है, चेक करना मत भूलेगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और साथ साथ इंस्टा का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बहुत ही अच्छे अच्छे महीने और मैंने रील्स डाले हैं वहाँ पे, तो चेक करना मत भूलिएगा, आपको पसंद आने वाला है। तो चलिए फिर, बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल, बाय।